प्राचीन वन मंदिर की कहानी। गहरे जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उसकी दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं और जटिल उकेरन और रहस्यमय प्रतीकों ने उसकी भव्यता को छुपा रखा था। यह मंदिर एक छिपी हुई कहानी का प्रतीक था। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण उस मंदिर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव था। मंदिर के केंद्र में एक भव्य दरवाजा था जो जटिल पैटर्न और चमकते हुए रून से सज्जित था। जब उन्होंने दरवाजे को ध्यान से देखा तो उस पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे जो उनकी गहराई को दर्शा रहे थे। भगवान राम ने गंभीरता से मंत्र का जाप करना शुरू किया जबकि लक्ष्मण ध्यानपूर्वक उनके पास खड़े थे। अचानक दरवाजा धीरे धीरे चरचराते हुए खुला और एक नर्म उज्ज्वल रोशनी बाहर आई। राम और लक्ष्मण ने सावधानी से प्रवेश किया। नई कक्ष का दृश्य अद्भुत था, सोने और कीमती रत्नों से भरा हुआ जिसमें दिव्य प्रकाश का आभास था। कक्ष के केंद्र में एक अलंकृत पुस्तक रखी हुई थी जो सोने की पत्तियों और रत्नों से सजी थी। भगवान राम ने उस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा, उनके चेहरे पर ज्ञान की एक नई अनुभूति थी। उसी समय उन्होंने मंदिर में एक पवित्र अनुष्ठान किया जिसमें चढ़ावे, दीपक और फूलों से एक दिव्य वातावरण बनाया। राम और लक्ष्मण ने मंदिर की सफाई की ताकि इसकी पवित्रता को फिर से बहाल किया जा सके। मंदिर की दीवारें आकाशीय प्रकाश से जगमगा उठीं, एक एथेरियल और शांत वातावरण का निर्माण किया। कक्ष से प्राप्त ज्ञान और शक्ति ने राम के चारों ओर एक तेजस्वी ऊर्जा का आभास दिया। वे एक सुरक्षित वन में थे जहां प्रकृति की शांति और सुरक्षा का अनुभव कर रहे थे। दरवाजे के चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी जो उसकी महत्वपूर्णता और रहस्य को उजागर कर रही थी। अंततः मंदिर का पुनर्स्थापित दृश्य उनकी शांति भरी उपस्थिति के साथ दर्शाता है जो उस पवित्र स्थान का महत्व बढ़ाता है। ये कहानी न केवल एक प्राचीन मंदिर की है बल्कि ज्ञान, श्रद्धा और पवित्रता के तत्वों को भी दर्शाती है।